125 वर्षों से महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था पुणे द्वारा संचालित कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन नागपुर एकमात्र इंडस्ट्री सहायक कॉलेज, सर्वाधिक कोर प्लेसमेंट, 100% इंटर्नशिप, सैनिटाइज्ड हॉस्टल और हाइजीनिक मेस सुविधा, बस सुविधा, स्कॉलरशिप, आज ही प्रवेश ले, कमिंस ब्रांच कुठले ही असो, माझी निवड कमिंस नागपुर। महाराष्ट्र के नागपुर में भीषण हादसा हो गया। इस कार हादसे में 3 लोग घायल हो गए। घटना में घायल महिला और उसके 3 महीने के बच्चे की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। नागपुर के महल से झंडा चौक में ये हादसा हुआ है, जहां नशेड़ी युवकों की कार ने कोहराम मचा दिया। इस कार ने सड़क पर चल रहे 3 लोगों को टक्कर मारी और कई गाड़ी चकनाचूर कर दी। गुस्साई भीड़ ने कार चला रहे युवक की जमकर पिटाई कर दी, जबकि कार में सवार 2 युवक दूर भाग गए। इस कार में कुल 3 युवक सवार थे, जो कि नशे में धुत थे। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने युवक की जमकर पिटाई की और पुलिस को मौके पर बुलाया। जब पुलिस ने कार की तलाशी ली तो कार में शराब की बोतल और गांजा मिला, जिसके बाद पुलिस ने युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और 2 युवकों की तलाश करी है। घटना में घायल लोगों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुलिस ने युवकों के खिलाफ हिट एंड रन का मामला दर्ज किया है और आरोपी युवकों की जमानत ना हो इसके लिए कड़ी धारा लगाई है। डीसीपी गौरव भामरे ने बताया है कि गिरफ्तार 3 आरोपियों में से 2 आरोपी पर शहर के विभिन्न पुलिस थाने में पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज है। कल रात को 8:30 बजे के आसपास कोतवाली पुलिस स्टेशन अंतर्गत झंडा चौक, यहाँ पे एक रैश ड्राइविंग का मामला सामने आया था। यहाँ पे रेनॉल्ट कार में जो 3 युवक गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने 2 बाइकर्स को अपनी गाड़ी से धक्का दिया था। इसमें एक लेडीज, उनका 3 साल का बच्चा और एक तीसरे पर्सन, ये तीनों इंजर्ड हुए थे। जो लेडीज है उनको लेग में फ्रैक्चर हुआ था और जो उनको 3 महीने का बच्चा है उनको हेड इंजरी आई थी। उनका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है हॉस्पिटल में। उनकी कंडीशन अभी फिलहाल स्टेबल है, लेकिन वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, तो उनके अपडेट्स हम ले रहे हैं। जो 3 आरोपी थे उनको कल रात को हमने इमिजिएटली अटक कर ली थी और 3 को मेडिकल के लिए भेज दिया गया था। जो डॉक्टर्स का प्राइमरी ऑब्जर्वेशन था, तो उसने ये पाया गया कि 3 ने अल्कोहल का कंजम्पशन किया करके रखा था। उसके बाद उनके ब्लड और यूरिन सैंपल्स हमने कलेक्ट करके उनको अभी आज हम सीए के लिए भेजने वाले। कल रात को लेट नाइट हमने इसमें गुना दाखिल किया है, उनको अरेस्ट किया है। आज उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद उनकी हम पुलिस कस्टडी मांगने वाले और बाकी जो इसमें इन्वेस्टिगेशन के एंगल है उनको हम पुलिस कस्टडी में आने के बाद इसमें चेक करने वाले। गाड़ी का जब हमने सर्चिंग किया था तो हमको 3-4 दारू की बॉटल्स और एक गांजा टाइप एक सब्जेक्ट मिला था, इसलिए हमने NDPS एक्ट के सेक्शंस भी हम इसमें ऐड किए और वो जो सब्सटेंस हमने अभी सीज किया उसको भी हम सीए तपासने के लिए भेजने वाले। अभी जो घायल है उनकी हालत कैसे और किस धाराओं के अंतर्गत IPC के मामला दर्ज किया? जो एक लेडीज है उनको शायद लेग में फ्रैक्चर से, और जो उनका 3 महीने का बच्चा है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि उनको अभी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है, उनके सिटी स्कैन और बाकी मेडिकल टेस्ट चल रहे हैं और मेडिकल टेस्ट के बाद वो थोड़ा और बता पाएंगे बेटर तरीके से, लेकिन उनको थोड़ा कंडीशन अभी स्टेबल है, लेकिन उनको कंटिन्यूसली उनका अपडेट लेना पड़ेगा। जो हमने गुना दाखिल किया है वो IPC सेक्शन 279, 337, 338 प्लस सेक्शन 2729 NDPS एक्ट, सेक्शन 184, 185 MU एक्ट और सेक्शन 65 महाराष्ट्र प्रोहिबिशन एक्ट, इसके अंतर्गत हमने गुना दाखिल किया है। इसमें सनी चव्हाण नामक आरोपी चला रहा था। सनी चव्हाण का थोड़ा प्रीवियस क्रिमिनल बैकग्राउंड है, इसके अलावा एक दूसरा जो आरोपी अंशुल ढाले उसका भी क्रिमिनल बैकग्राउंड है। कल मैं घर से निकला मोगरा हॉस्पिटल जाने के लिए, मेरा बच्चा 1.5 महीने का है तो उसका 1.5 महीने का टीका रहता है, वो टीका लगाने के लिए मैं मोगरा हॉस्पिटल जा रहा था। तो रास्ते में वो कार वाले ने पीछे से आके इतनी भयंकर टक्कर मारी कि मेरी वाइफ नीचे गिर गई और नीचे मेरी वाइफ और उसके साथ बच्चा भी था, दोनों नीचे गिरे और वो घसीटते हुए ले गया, उनको रोका भी नहीं उसने, घसीटते हुए ले गया और दोनों की माँ बेटे दोनों की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। मेरी वाइफ को पैर की हड्डी टूट गई है, यहाँ की हड्डी टूटी, कमर की हड्डी टूटी, पीछे से पूरी यानी छिल गया है और लीवर व्यवर वो सब अभी इसका भी करवा रहे टेस्ट के लिए डाले है और बच्चे के मेरे ब्रेन के ऊपर लगा हुआ है। बाइक पे दोनों की कैसी घटना घटी? यादव नगर से मैं मोगरा हॉस्पिटल जा रहा था जो ताजबाग रोड पर आता है और मैं 2-व्हीलर से जा रहा था और कार वाला पीछे से आया और पीछे से उन्हें टक्कर मारा और टक्कर मारने के बाद रुका भी नहीं। क्या देखा? दारू वारू पी के थे ऐसा पता चला मेरे को, क्योंकि जैसा टक्कर मारा मैं तो गिर गया और मेरी वाइफ को सिट्टे ले गया। मैंने अपने बच्चे को उठा के हॉस्पिटल ले गया, वाइफ को मेरे को पता नहीं था, उसको क्या बोलते पब्लिक ने हॉस्पिटल में एडमिट किया।
बच्चा दूर तक बहुत ज़्यादा यानी खराब गंभीर है, अभी दोनों की तबीयत बहुत गंभीर है। मैं क्या बोलते हैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरा बच्चा उधर मिला मेरे को बहुत दूर पे पड़ा हुआ। दादा क्या वो गाड़ी से कड़ी से कड़ी कार्यवाही होना चाहिए, मेरी ऑफिसर से बात हुई है, उसने उनने भी यही कहा है एसीपी साहब ने कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और मुझे इंसाफ ज़रूर दिलाएं। बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, बहुत गंभीर तबीयत है अभी। मेरी वही डिमांड है अभी कि डिमांड कुछ नहीं है उन पर 279 330 वही यानी जो आरोपी है उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।